भाई दुल्हन और डिवाइस लेने से पहले चित्रा चेक करना, तो में तैयार होने के बाद और मुंह धोने के बाद कैसा रिजल्ट होता है, इसी तरह ही डब्बे में दिखने के बाद डब्बे से बाहर आने के बाद कैसा रिजल्ट होता है, राह पे आ जाने या वहां पे आ जाने। जैसे कि आपको पता है सर्दियां पाकिस्तान में जैसे स्टार्ट होती है वेडिंग सीजन भी उसी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जब वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो समझ लो डिवाइस लॉन्चिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो आई कंपनी ने डिफरेंट डिवाइसेज लॉन्च किया, पर यहाँ पे टेक्नो ने एक डिवाइस लॉन्च किया, टेक्नो कैमन 13C। सिक्स जीबी रैम है, 128 GB बिल्डर मेमोरी है, 50 MP का बैक कैमरा प्रोवाइड किया गया है, 5000 mAh की बैटरी है, 18W का फास्ट चार्जर यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है। मजीद डिवाइस की लुक कैसी है, स्पेक्स क्या क्या है और परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल चीजें आज की इस वीडियो में ये क्लियर कर देंगे। तो मैं आपको बताता जाऊं भाई, डिवाइस और लड़की जब भी बाय करें उसमें सबर लाजमी से आपने करना है, दोनों चीजों को अच्छी तरह से चेक कर ले तेन जाके दोनों चीजों को बाय करना चाहिए, जल्दबाजी में आपने नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे शादी से पहले दुल्हन का ब्यूटी पार्लर का रूप होता है और बाद में वो ओरिजिनल रूप में आ जाती है। पर बात कुछ और तरफ जा रही है, आते हैं हम अपने अनबॉक्सिंग पे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते सारी आपको फ्रंट पे आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, टेक्नो का स्पार्क 30C। पेपर से इसको जल्दी से हम रिमूव कर लेते हैं। लुक आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी, टेक्नो स्पार्क 30C की। तो डिवाइस को साइड पे रखते हैं, उसके बाद मजीद बॉक्स में हम देख लेते हैं हमें क्या प्रोवाइड किया गया है। सारी आपको जो है वो एक अदर सिलिकॉन कवर प्रोवाइड किया गया है, 18W का वायर्ड चार्जर जो यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है, माइक्रो USB 2C टाइप केबल यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है, उसके अलावा यहाँ पे हमें एक साइड पे सिम रिमूवल पिन जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो ये बॉक्स की अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, आइए आते हैं हम अपनी डिवाइस पे। डिवाइस पे अभी डिवाइस देख सकते हैं इन माय हैंड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, तो बैक आपको टोटल प्लास्टिक की प्रोवाइड की गई है, फ्रेम टोटल प्लास्टिक का है, उसके अलावा राइट साइड पे आपको वॉल्यूम की अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे हमें जो प्रोवाइड किया गया है, उसके अलावा यहाँ पे हमें डाउन साइड पे स्पीकर प्रोवाइड किए गए हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड की गई है, उसके अलावा हैंड फ्री जैक देखने को मिलता है और डेडिकेटेड माइक देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, अप वाली साइड पे जाके आपको सिम पोर्ट का ऑप्शन प्रोवाइड क्या है, उसके अलावा अप वाली साइड पे स्पीकर देखने को मिल जाता है, यानी कि डिवाइस स्टीरियो स्पीकर सपोर्टेड है, यानी कि काफी ज्यादा लाउड साउंड होने वाला है। तो यहां पे मैं बात करता हूं इस डिवाइस के डिस्प्ले के रिलेटेड, भाई डिस्प्ले आपको उम्मीद है वीडियो में क्लियर नजर आ रहा होगा, डिस्प्ले के जो बेजल्स है ना वो बहुत ज्यादा बड़े रखे गए हैं, चिन नीचे से बहुत ज्यादा बड़ी रखी गई है, और लाइक आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई चाइना की डिवाइसेस चला रहे हो। अब यहां पे मुझे एक चीज समझ नहीं आई, डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो 720p है, पर जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का वो सपोर्ट करता है। भाई जो 120 हर्ट्ज है ना वो ये एक आप कह लेंगे सॉफ्टवेयर बेस पे उसको ऑप्टिमाइज किया गया है, ऐसे वो उस तरह वर्क नहीं करेगा। लाइक अगर आप इस पे डाटा डालते हैं कोई परफॉर्मेंस इससे लेते हैं, ये जैसे ही हीट होगा वो 120 FPS आपका बढ़ जाना है, ठीक है, वो किसी काम का नहीं आना है। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा के रखनी है याद से। नेक्स्ट मैं इस डिवाइस के रैम एंड स्टोरेज के रिलेटेड बात करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके डिवाइस पे भी बहुत बड़ा एक ये मेंशन किया गया है 12 GB नहीं है 6 GB है, 128 GB मेमोरीज की प्रोवाइड की गई है, जो 12 GB है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि आपके किसी काम की नहीं है, वो भी सॉफ्टवेयर बेस को ऑप्टिमाइज किया गया है। नेक्स्ट मैं इस डिवाइस के कैमरे के रिलेटेड बात करता हूँ, बैक साइड भी आपको ये कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं, बड़ा सारा आपको देखने को मिलता है। अब लाइक आपको फील ऐसे होता है कि जैसे ये कोई 4 या 3 कैमरे इसमें लगाए हुए हैं, बहरहाल ये 4 या 3 कैमरे नहीं है, तो मेन जो है वो इसका एक ही सेंसर है जो कि 50 MP है, बाकी जो लेंस का नाम डाला हुआ है वो प्रॉपर वर्क भी नहीं करेंगे, ये मेरा ही आपसे चैलेंज है, अगर कर दिया आपने मुझे पकड़ लेना आके, ठीक है। अब बैक कैमरा जो 50 MP का लगा दिया है, रिजल्ट वाइज मैं बात करूं तो वो भाई 12 MP का भी किसी काम का नहीं है, जितना इसका 50 MP का आ रहा है, आप उसको 12 समझ लें या 50 समझ लें, लिख दो 100 भी लिख दो तो रिजल्ट बेशक हो ना कुछ भी, खूब खाते छेड़ दो कुत्ते। तो अब फ्रंट साइड पे जो कैमरा है वो सेल्फी भाई 8 MP की लगाई गई है। अब बैक की 50 MP की स्टोरी आप यहीं से समझ सकते हैं कि बैक पे तो 50 डाल दिया, फ्रंट पे ये 32 भी नहीं डाल सके। 30,000 पे भाई 33,000 पे इस डिवाइस की प्राइस पाकिस्तान में रखी गई है और फ्रंट कैमरा 8 MP का है, आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि क्या ये डिवाइस बर्थ रखती है 32-33,000 रुपए की, वरना लेस करके आपको 30-35,000 की आराम से इजी तौर पे मार्केट में मिल जाएगी। 4 साल की डिवाइस की वारंटी रखी गई है, वो भी एक प्रमोशन का तरीका होता है कि कस्टमर को घेरना, हमारी तरफ कस्टमर को लेकर आना। अब यहाँ पे जो हमें वो प्रोसेसर है जो इसका CPU है, चिपसेट है, वो भी थकी किस्म की Helio G81 की देखने को मिलती है, जो पाकिस्तान का
आप कह लें कि किसी टाइम में ना ये प्रोसेसर आपको 15-20 हज़ार रुपए भी नहीं मिलते थे, इतने थक्के किस्म के ये प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस नहीं होने वाली, सिर्फ एक नॉर्मल यूज के लिए आप इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। अगर आप हैवी लोड लेना चाहते हैं तो इस डिवाइस का जो भट्टा है वहीं पे बैठ जाना, इसने आपको उस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं देनी। इस डिवाइस की बात करता हूँ भाई, बैटरी 5000 mAh की बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए हमें 18 वाट का चार्जर दिया गया। 18 वाट का जो चार्जर है वो ये वाला चार्जर है, छोटा सा एक चार्जर है, सी टाइप केबल प्रोवाइड की गई। उम्मीद है कि ये 18 वाट प्रॉपर चार्जिंग भी करता होगा, पर मुझे नहीं लगता ये इतना फास्ट चार्जिंग करेगा। तो बरहाल वो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसका टेस्ट कर लेंगे। बरहाल ओवरऑल चीजें जो है वो मैंने आज की उम्मीद है हर चीज मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दी है। तो मैंने जैसे कि साथ में कुछ बातें बताई थी कि भाई दुल्हन और डिवाइस लेने से पहले छिद्रा चेक करना, तो आप अब समझ होंगे कि भाई पार्लर में तैयार होने के बाद और मुंह धोने के बाद कैसा रिजल्ट होता है, इसी तरह ही डब्बे में दिखने के बाद, डब्बे से बाहर आने के बाद कैसा रिजल्ट होता है, राह पे आ जाने या वहां पे आ जाने। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।